और आपको एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें भारत के पार्टीशन का प्लान 1930 से भी पहले, नहीं 1919 की बात है। तो मैं वहाँ NDCB में बैठ गया, ऐसे ही उनकी लाइब्रेरी बड़ी अच्छी होती थी और उसका एक्सेस कॉमन पब्लिक को तो है नहीं। आई वॉज इंटरेस्टेड, मैं एक दिन ऐसे ही बैठा रहा था, जाता रहता था मैं उस लाइब्रेरी में, और एक फोल्डर पड़ा हुआ था वहाँ पे, उसको मैंने खोला, मैं उसको पढ़ने लगा एंड इट वॉज अ शॉकर। और इसमें लिखा हुआ था डिविजन ऑफ इंडिया, उसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हम इसको तीन हिस्सों में बांटेंगे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और प्रिंसिस्तान। ये फाइल कॉलोनियल ऑफिस के पास थी, यही फाइल 1943 में रिसर्फेस हुई है, रेडक्लिफ लाइन वगैरह सब कुछ इसी में था। 1919 वाला जो डॉक्यूमेंट है जो आपके हाथ लगा वो बाद में राजीव गांधी के पास था, वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में थी वो। यस सर। और कई सारी ऐसी फाइलें जो आपकी इस पीरियड को रिलेट करती है वो सब गायब हो गई। और आपको एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें भारत के पार्टीशन का प्लान 1930 से भी पहले, नहीं 1919 की बात है। तो मैं वहाँ NDCB में बैठ गया, ऐसे ही